वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में, जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होता है उस पर आपका हमेशा ध्यान रहना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी हमारा, सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसका जो क्वार्टर फोर का जो प्रॉफिट है, मतलब मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट है 44.3 करोड़, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर मार्च में प्रॉफिट था 27.6 करोड़। तो प्रॉफिट में काफ़ी बेहतरीन जंप हुआ है, 50% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट में जंप है। वहीं इनकम की बात करें तो 2110 करोड़ का इनकम था इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के मार्च क्वार्टर में मात्र 857 करोड़ का था। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है इस कंपनी ने, और अगर ये मार्केट के एस्टिमेट को बीट करता है तो कंपनी में तेजी आपको बनी रहेगी। ऐसे भी ये शेयर काफी ज्यादा तेजी देखने मिला है पिछले एक सालों से। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है यहाँ पर कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, इसका जो प्रॉफिट है 150 करोड़ इस मार्च क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के मार्च क्वार्टर में मात्र 62 करोड़ था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में जंप हुआ है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर का। देखते हैं यहाँ जो प्रॉफिट में जंप है वो 150% से ज़्यादा का जंप है, मतलब प्रॉफिट डायरेक्ट जो है 250% हो चुका है पिछले साल के क्वार्टर मार्च जो है उसके कंपेरिजन में। और इनकम जो है 1740 करोड़ का था इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 1863 करोड़ का। तो यहाँ पर इनकम डिक्रीज हुआ है लेकिन प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ। इनकम डिक्रीज मतलब सेल्स से जो इनकम जनरेट हुआ वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन जबकि नेट प्रॉफिट जो है वो जंप हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस पर ध्यान देना है थोड़ा सा। उसके बाद जो अगला हमारा है इंपॉर्टेंट शेयर, जिसमें है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इसका देख लीजिए प्रॉफिट जो है मार्च क्वार्टर का 61 करोड़ का है, जबकि पिछले साल के मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट था 59 करोड़। तो यहाँ पिछले क्वार्टर साल के मार्च क्वार्टर के कंपेरिजन में प्रॉफिट में 2 करोड़ का जंप हुआ है। अब इनकम की बात करें 292 करोड़ का इनकम है इस क्वार्टर मार्च 2021 क्वार्टर में, जबकि पिछले साल मार्च क्वार्टर में था 275 करोड़। यहाँ पर इनकम में भी जंप हुआ है, प्रॉफिट में भी जंप हुआ है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के। उसके बाद है हमारा मंगलम ऑर्गेनिक, इसके मार्च क्वार्टर में जो प्रॉफिट है इस बार 33 करोड़ का है, जबकि पिछले साल मार्च क्वार्टर मात्र 13 करोड़ था। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट में जंप है काफ़ी बेहतरीन, 2 गुने से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। अब इनकम की बात करें तो 96 करोड़ का इस मार्च क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के मार्च क्वार्टर में था 82 करोड़। तो इनकम में भी जंप और प्रॉफिट तो 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद जो अगला हमारा है सोलर इंडस्ट्री, इस बार इसका जो मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट है 91 करोड़ का, पिछले साल के मार्च क्वार्टर में था मात्र 50 करोड़। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट में काफ़ी ज़बरदस्त जंप है, जबकि इनकम 791 करोड़ हो चुका है, जबकि पिछले साल हमारा जो इनकम था सोलर इंडस्ट्री का 547 करोड़ था। तो इनकम और प्रॉफिट दोनों में जंप हुआ है। अगला है हमारा नोसिल, इसके इस बार का जो प्रॉफिट है मार्च क्वार्टर का 37.3 करोड़, जबकि पिछले साल था 21.9 करोड़। तो काफ़ी जंप हुआ है प्रॉफिट में। वहीं इनकम में अगर बात करें तो इस बार क्वार्टर का जो इनकम है 322 करोड़, जबकि पिछले साल का इनकम था 213 करोड़। तो इनकम में भी काफ़ी जंप है और प्रॉफिट में भी काफी जंप है। अगला है हमारा हेग, इस साल इस मतलब मार्च क्वार्टर का जो इसका लॉस है 16 करोड़ का लॉस है, जबकि पिछले बार मार्च क्वार्टर का जो लॉस था 370 करोड़। तो काफी देखते हैं रिजल्ट में काफी ज्यादा सुधार हुआ है, जो कि आपको शेयर प्राइस में भी देखने मिलेगा। वह इनकम की बात करें 380 करोड़ का इनकम है, जबकि पिछले बार 374 करोड़। तो इनकम में कुछ खास यहाँ पे इंक्रीज देखने नहीं मिला, लेकिन जो लॉस है कंपनी का काफी कम हुआ है। वहीं अगला जो हमारा है आयशर मोटर का, इस बार का प्रॉफिट की बात करें 572 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि पिछले साल इसी मार्च क्वार्टर में 304 करोड़ का प्रॉफिट था। काफी ज्यादा प्रॉफिट में जंप हुआ है, जबकि हम लोग आशा करते हैं कि जो इस ऑटो सेक्टर की कंपनियां है वो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगी, जबकि यहां पर उल्टा देखने मिल रहा है। वही इनकम की बात करें 2940 करोड़ का इनकम है इस मार्च क्वार्टर में, और जबकि पिछले साल के मार्च क्वार्टर में था 2208 करोड़। पिछले साल जो है मार्च क्वार्टर में भी लॉकडाउन था, इस बार भी लॉकडाउन है, लेकिन इस बार ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है कंपनी ने। तो इस वीडियो के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वार्टर फोर के रिजल्ट थे। अगले वीडियो में हम आपको और सारी कंपनियां जो है उसके इंपॉर्टेंट जो कंपनियां होगी उसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में बताएंगे।